गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट डायनेमिक टाइपिंग। इट मीन्स वेरिएबल को हम डायनेमिकली जो है डिक्लेयर करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल वी कैन इजीली चेंज इट एंड द प्रीवियस वैल्यू विल नॉट अफेक्टेड। सो इन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, यानी आपके जो सिंपल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो इन दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट कि जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में हम यूज़र के लिए इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रोग्राम्स बनते हैं। तो जब हम इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट मिलता है हमें, जो पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सी सो टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र इंटरेक्टिवली यू कैन यूज़ बिल्ट इन फंक्शन इनपुट फंक्शन। ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल्ड है। आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है, ना कि इसकी डेफिनेशन ही, इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। बस ये इनबिल्ट है और इनपुट फंक्शन के थ्रू आप अपने जो प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इनपुट दे सकते हैं। सी हियर इन दिस एग्जांपल, नेम इक्वल्स टू इनपुट, व्हाट इज़ योर नेम। तो आपने क्या इनपुट दिया है कि व्हाट इज़ योर नेम। अब ये इनपुट का एक क्वेश्चन है, जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इस टाइप से यहाँ पर पूछेगा। सी हियर, तो आपने क्या दिया है इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने लाइन दे दी है व्हाट इज़ योर नेम। तो ये एक इनपुट का मेथड है कि भाई आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हैं। अभी आप यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम बोल रहे हैं, अपन यहाँ पर बोल सकते थे इनपुट, जैसे हम यहाँ पर लें कॉन्टैक्ट नंबर, जो वेरिएबल हम लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ तो नेम लिया है, और अगर हम मान लीजिए बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो इनपुट हम क्या लेंगे, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर या व्हाट इज़ योर नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं एड्रेस। सी यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं एड्रेस, तो एड्रेस में इनपुट फंक्शन तो एज इट इज़ आएगा, उसके अलावा यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, व्हाट इज़ योर एड्रेस या वेयर डू यू लिव, किसी भी टाइप से हम पूछ सकते हैं ना। तो वो एक टाइप का हमारा इनपुट मेथड हो गया, ये इनपुट फंक्शन है, और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक जो है अंडरस्टैंड के लिए यूज़र के कि भाई क्या इनपुट देना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी व्हाट इज़ योर नेम। जब ये प्रोग्राम रन होगा ये इस टाइप से वहाँ पर डिस्प्ले होगा व्हाट इज़ योर नेम। और ये जो कर्सर आ रहा है ना आपके यहाँ पर, देखिए इसको, ये जो आ रहा है कर्सर, यहाँ पर आप अपना इनपुट डेटा टाइप कर सकते हैं कि भाई हमारा जो नेम है वो क्या है, ये जो आ रहा है दैट इज़ अ कर्सर। तो इस कर्सर के बाद ही हम हमारा नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये इनपुट फंक्शन, see in front of which you can type the name, the value that you type in front of the displayed prompt will be assigned to given variable name in above case. So now consider the following command sequence. Dekhiye, input liya humne, name equals to input, enter your name. Theek hai, to enter your name mein humne de diya Simon. Age equals to input, enter your age. To age jab aap use kar rahe hain to aapko numbers mein dena rahega. इस टाइप से हम यहाँ पर जो है इनपुट देते हैं। प्लीज नोट द इन, आई एन के साथ भी हम इनपुट दे सकते हैं, और इनपुट पूरा लिख कर भी हम हमारे पाइथन स्पाइडर को इनपुट देते हैं। See, read this one, input function always returns a value of a string type. ये बात याद रखना है आपको कि जो input method है वो always जो value return करेगा वो किस type की होगी, string type की, यानी what is your name हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, so input has a property which you must be aware of, the input function always returns a value of string type
Notice carefully in above code while displaying both values name and age. Python has enclosed both the values in quotes. Like यहाँ पर आपने देखा single quotes में इन्होंने जो है close किया इसको. तो एक चीज का हमें ध्यान रख लेना है कि whenever we want to print or input or string type of data, तो string type के data को you must be entered in a quotes. ध्यान रखिएगा इस चीज को. जब हम स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं और जब आउटपुट हमें मिल रहा है, तो उस आउटपुट के टाइम पे हमें जो स्ट्रिंग हम टाइप करेंगे ना, वो आपको सिंगल कोट्स में टाइप करना रहेगा. दिस बिकॉज वॉट एवर वैल्यू यू एंटर थ्रू इनपुट फंक्शन इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग. तो जिस भी चीज़ को आप डबल कोट सिंगल कोट्स में एंटर कर रहे हैं, तो वो एज ए स्ट्रिंग मानी जाएगी. जैसे यहाँ पर इन्होंने 16 को भी स्ट्रिंग में कर दिया ना, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे भी इन्होंने स्ट्रिंग ही माना है. ठीक है, इस चीज को आपको समझना है अच्छे से. इनपुट हैज अ प्रॉपर्टी विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइम. And one more thing, when you try to perform an operation on a data type not suitable for Python, raises an error called type errors. ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हैं, टाइप एरर वहाँ पर शो होती है. When you try to perform an operation on a data type not suitable for it, तो वहाँ पर टाइप एरर आएगी कि भाई वो उस टाइप का डेटा टाइप है ही नहीं, तो वो आपको वहां पर एरर शो कराएगा. इनपुट फंक्शन इज यूज टू गिव इनपुट फ्रॉम अ यूजर और फ्रॉम अ प्रोग्रामर. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इज कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू, एंड स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू यू शुड एंटर इन अ सिंगल कोट्स. Whatever you are writing in a single quotes, it treats like a string. So Python raised an error when you try to add 1 to age whose value you entered as 16. तो यहाँ पर जब आपने सिंगल कोट्स में किया था, तब तो इसको एज ए स्ट्रिंग इसने किया था, और यहाँ पर जब आप एज प्लस 1 कर रहे हैं, तो ये इसको एरर शो कराएगा. तो यहाँ पर आ रहा है ना टाइप एरर. सो वेरिएबल एज received value 16 through input function. It actually had 16, यानी कि string value है ये. जब हमने ऊपर program में दिया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको single quotes में लिखा, तो it means 16 जो था वो क्या था, string value था. पर now अभी हम क्या कर रहे हैं कि directly इसको दे रहे हैं, तो ये आपको type error show कराएगा. So you can check yourselves the type of variable age whose value you entered through input function. Age equals to input, what is your age? Age में आपने 16 एंटर किया, तो age equals to 16 हो गई. अगर आप यहाँ पर इसके देखना चाहते हैं कि किस टाइप का हमारा इनपुट हमने यहाँ पर दिया है, तो type टाइप लिखना है आपको, टाइप करना है, एंड उसका जो वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पर शो कराना है. तो वो आपको इस टाइप से शो करा देगा कि भाई आपका जो डेटा है ना, वो किस टाइप का डेटा टाइप आपने यूज़ किया था. तो टाइप एज किया और वहाँ पर शो हो गया अपना str, यानी स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने यूज़ किया है. तो डायनेमिक टाइपिंग और सिंपल इनपुट फंक्शंस अभी तक हमने देखा, अब हम आउटपुट फंक्शंस देखते हैं.